किसी ने बहुत ही खूब कहा है, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ नहीं मिला तो तजुर्बा तो नया होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आप सभी के साथ बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स की क्लास में मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करें बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स, बीपीएससी 66 का एक क्वेश्चन आया था, फर्स्ट का ए पार्ट, जो लीनियर अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सिल्वेस्टर ला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो टॉपिक आता है रैंक एंड एनालिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, 25 मार्क्स की वेटेज थी, उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे हैं मैथमेटिक्स को हमारे साथ। बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के मल्टीपल बैचेज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन चल रहे हैं, आप पेनड्राइव कोर्स भी ले सकते हैं बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स 67 के लिए। आप कंप्लीट कोर्स कंप्लीट पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको हर टॉपिक जो भी हम बीपीएससी 67 का पार्ट है, बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का पार्ट है, हर एक टॉपिक पे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट, हर तरह की जो सुविधा आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप अपने घर बैठे क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही कम फीस में आप ईएमआई पे कर सकते हैं आपकी फीस। तो आपके लिए एक मौका है, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है सीखने की, आगे बढ़ने की, क्योंकि समय बड़ा ही कीमती होता है। यदि समय हाथ से चला जाए तो इसके बाद उसका कोई विकल्प नहीं है कि आप उसको कवर कर सकते हैं। दुनिया में पैसा दोबारा आ सकता है, हर चीज को दोबारा लेके आया जा सकता है, बट टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ अवर लाइफ। यदि टाइम चला गया, यदि समय एक बार चला गया पढ़ाई से, तो आपका दोबारा आना बहुत ही मुश्किल, क्या मैं कहूँ नामुमकिन है। तो जो आपके पास समय आज है तो ट्राई टू इन्वेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड ट्राई टू इन्वेस्ट इन योर लर्निंग, इन योर पॉजिटिव डेवलपमेंट, इन योर पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जितना आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सीखना बंद जीतना बंद, तो ये बड़ा ही फेमस कोर्स है। सीखते रहोगे आगे बढ़ते जाओगे, सीखना बंद जीतना बंद। तो बीपीएससी में यदि आप अच्छा स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज सो अमेजिंग, दैट इज वंडरफुल। बट यदि आप कहीं ना कहीं मान लेते हैं स्कोर कम भी आते, लेकिन नॉलेज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, क्योंकि डिग्री और आपको देखेंगे किसी प्रकार का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिंदगी में कभी भी सफलता आपकी निशानी नहीं है। यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको रियल लाइफ सिचुएशन को आगे सोल्व करना है, तो आप बीपीएससी में जा रहे हैं, सेवा की जर्नी में जा रहे हैं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की समस्याओं को सोल्व करना है, तो वो विदाउट मैथमेटिक्स आई थिंक इट इज नॉट सो पॉसिबल एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल्स। तो आप यदि करते हैं बीपीएससी में ऑप्शनल मैथमेटिक्स तैयारी अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली आप मैथ को एंजॉय करने वाले हैं और जो आपकी जर्नी है वो भी वंडरफुल रहने वाली है। और हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है बीपीएससी का यदि बात करें मैथमेटिक्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। बीपीएससी 66 मेंस में आया हुआ है, फर्स्ट का ए पार्ट सेल्वेस्टर ला पे, और जो पार्ट है हमारे पास डेट इज रैंक एनालिटी का पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही खूबसूरत क्लास आप सभी के साथ, जो हमारा बेस्ड है रैंक एंड एनालिटी के ऊपर। और बीपीएससी के रिगार्डिंग किसी प्रकार कोई हेल्प जरूरत है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, फील फ्री टू व्हाट्सएप अस, वी आर ऑलवेज विद यू, हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये वादा है। तो आप अपनी जो पढ़ाई है स्टार्ट करें और लगता है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फील फ्री टू शेयर अस। सबसे पहले हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, लिंक नीचे दिया गया है, और कोई भी जानकारी चाहिए हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें। बहुत ही अमेजिंग फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं। तो इतनी सब चीजें जब आपको इतनी अच्छी और बेस्ट मिल रही है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और फोन उठाएं, अपने जो क्वेरीज हैं शेयर करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। मैथमेटिक्स के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ऑप्शनल के अंदर, तो मैथमेटिक्स डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल है। और रिजल्ट देखें आप बीपीएससी के, जो राष्ट्रीय रिजल्ट देखें, मैथमेटिक्स के कारण ही बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन, अच्छा अच्छा रैंक जो आया है, दैट इज ओनली पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ ओनली मैथमेटिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। तो आइए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ऑन सिल्वेस्टर ला। तो सबसे पहले स्टेटमेंट करते हैं उसकी क्या स्टेटमेंट होती है, फिर हम प्रूव करेंगे बाय आवर प्रीवियस नॉलेज जो हम पढ़ चुके हैं, लीनियर अलजेब्रा में रैंक क्या होता है, नलिटी क्या होती है, रैंक टी जो बनता है हमारे पास सबस्पेस बनता है, नलिटी भी सबस्पेस बनता है, और बहुत सारे जो थ्योरम्स थे हमारे पास उनका यूज करते हुए, बेसिस और डायमेंशन जो नॉलेज है हमारी उसका भी यूज करते हुए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम सिल्वेस्टर ला को प्रूव करने जा रहे हैं। तो पहले बात है स्टेटमेंट के बारे में, फिर करेंगे प्रूफ के बारे में बात। तो स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास, तो हम बात करें स्टेटमेंट के बारे में, स्टेटमेंट क्या है, हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट के बारे में, क्वेश्चन इज या थ्योरम कह सकते हैं, क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, थ्योरम। थ्योरम क्या है हमारे पास, सिल्वेस्टर ला। जी हाँ, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, पहले लेते हैं सिल्वेस्टर ला क्वेश्चन एग्जाम में, सिल्वेस्टर ला क्या होता है, स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट क्या होती है इसकी, यदि टी एक मैपिंग है यू से लेकर वी तक, लेट टी इज मैपिंग फ्रॉम यू टू वी, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या देखिए बी ए
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमें गिवन है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हमें प्रूव करना है कि जो रैंक टी होगा ट्रांसफॉर्मेशन, देन प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ आर टी, डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू टी इक्वल होगा। इसी की दूसरी स्टेटमेंट आ सकती है, यदि बात करें हमारे पास क्या आती है, डायमेंशन रैंक टी प्लस नल्टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, डायमेंशन ऑफ यू ए की बात है, या इसी को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू रोटी प्लस म्यूटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। तो एग्जाम में कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, आपको समझ में आना चाहिए मतलब सभी का एक ही है, यदि बात करें हमारे पास सभी का मतलब एक ही है। देखो स्टेटमेंट क्या कहती है हमारे पास, स्टेटमेंट क्या कहती है हमारे पास, हमें गिवन है T इज मैपिंग फ्रॉम U टू V, T मैपिंग U से लेकर V तक, जो LT गिवन है, LT मींस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कर चुके हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, इट मींस T सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी क्या क्या है, T ऑफ U प्लस V इक्वल टू TU प्लस TV की इक्वल है, T ऑफ AU A टू TU इक्वल है, हमें गिवन है, जहां जरूरत पड़ेगी हम कंबाइन कर सकते हैं। बात करें प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हमारे पास इसके अंदर, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रहेगा हमारा, डायमेंशन ऑफ RT, RT होता है रेंज स्पेस के डायमेंशन, डायमेंशन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ RT, डायमेंशन ऑफ RT, डायमेंशन ऑफ NT क्या होता है, नल स्पेस के बेसिस में कितने एलिमेंट होते हैं उसे बोलते हैं डायमेंशन ऑफ NT। प्रूव करना है कि ये किसी को इन दोनों सम, इट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, U का मींस डायमेंशन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस U हमें प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान प्रूफ है, इसी का एक स्टेटमेंट आ सकती है हमारे पास, रैंक टी प्लस नल्टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, या इसको मैथमेटिकली यदि हम एक्सप्रेस तो हम लिखें क्या लिखेंगे, रोटी प्लस म्यूटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, क्योंकि रैंक टी का जो रोटेशन होता है रोटी होता है और नल्टी होता है म्यूटी होता है और डायमेंशन भी हमारे पास सेम है सभी के साथ कॉमन वे में। तो प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ रेंज स्पेस हो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ द नल स्पेस प्लस रेंज स्पेस दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस यू हमें प्रूव करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को आप सभी के साथ। तो सबसे पहले मान लेंगे हम, हमें प्रूफ क्या करना है उसके अकॉर्डिंग हम मानने चलेंगे, तो चीजें आसान प्रूफ है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बट समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ठीक है जी। तो आइए बात करते हैं क्या होगा हमारे पास प्रूफ, दैट प्रूव करना है कि रिक्वायर्ड टू लिख देता हूं क्या ऊपर क्या था, डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू हमें प्रूव करना, ठीक है जी। अब हम मान लेते हैं कि एन टी के बेसिस में एम एलिमेंट है, लेट लेट प्रूव करें स्टार्ट, लेट क्या मान लिया, यू वन यू टू यू एम क्या आर एम एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ एन टी, इन द बेसिस ऑफ एन टी, हमने मान लिया कि जो एन टी हमारे पास नल स्पेस है उसके बेस में क्या होते हैं एम एलिमेंट हमारे पास, यदि एम एलिमेंट होते हैं हमारे पास, आपने रिजल्ट पढ़ा था हमारे पास एलिमेंट क्या पढ़ा था, यदि किसी भी सेट के हमें बेसिस पता है वो क्या होता है सेट लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, तो इट मीन्स देयरफॉर क्या होगा यू वन यू टू जो यू एम एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, ये क्या होंगे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या रिजल्ट होगा हमारे पास, देन वी नो दैट कि आपने रिजल्ट पढ़ा था कि हमारे पास यदि कोई लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होता है उसको एक्सटेंड करके हम वेक्टर स्पेस के बेसिस बना सकते हैं, तो यदि यू वन यू टू यू एम एलिमेंट है हमारे पास इनकी हेल्प से हम यू का जो बेसिस है डोमेन का बेसिस है वो बना सकते हैं, तो हम कहेंगे कि यू वन यू टू यू एम एलिमेंट थे इसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर देंगे फर्दर देन दैट विल बी द बेसिस ऑफ यू, आपने रिजल्ट पढ़ा है हम प्रूव भी कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर कि यदि यू वन यू टू यू एम आर द एलिमेंट द बेसिस ऑफ नल्टी है देन ये सेटली इंडिपेंडेंट होगा, और यदि सेटली इंडिपेंडेंट होता है तो रिजल्ट था कि उसकी एक्सटेंड करके एक्सटेंड मतलब उसमें कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे देन वी कैन मेक ए बेसिस फॉर द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस यू, हम यू के लिए हम क्या कर सकते हैं बेसिस में बेसिस बना सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस हम क्रिएट कर सकते हैं, तो मान लें कि हमारे पास मान लो 10 एलिमेंट होते हैं नल्टी बेसिस में और उसमें मान लो 20 है तो 10 एलिमेंट ऐड कर देंगे तो क्या 20 एलिमेंट हो जाएंगे डायमेंशन ऑफ यू के अंदर, तो हमने मान लिया कि लेट क्या करेंगे यू एम प्लस वन से लेके हम ये भी कह सकते हैं लेट यू वन से लेके
यू एन तो थे हमारे पास एलिमेंट, यू एन प्लस वन से लेके यू एन क्या बनेगा इज बेसिस ऑफ आर, बेसिस ऑफ यू, बेसिस ऑफ यू। क्योंकि हमने ऐसा, क्योंकि रिजल्ट होता है यदि किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस पता है हमें, दैट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यदि सेट इंडिपेंडेंट होता है तो उसको एक्सटेंड करके, मतलब एम एलिमेंट तुम्हारे पास ऑलरेडी थे, यदि बात करें वी हैव एम एलिमेंट थे पहले, हम इसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर देते, मान लो कि एम प्लस वन से लेके एन एलिमेंट ऐड कर दिए, देन दिस न्यू सेट जो हमने बनाया अभी विद द हेल्प ऑफ द बेसिस ऑफ द नलिटी, जो नया सेट बनेगा दिस इज लीनियर इंडिपेंडेंट एंड इट इज द बेसिस ऑफ यू वेक्टर स्पेस। ठीक है जी, तो अब बात करें, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास नलिटी क्या होता है, नलिटी ऊपर स्पेस सिलेक्शन ने प्रोवाइड किया, नलिटी क्या होता है, नलिटी क्या होता है, डोमेन के वो एलिमेंट का सबसेट होता है जिनकी इमेज जीरो आती है। तो आपने पढ़ा भी था कि हमारे पास नलिटी क्या होता है, हमारे पास टी मैपिंग है यू से लेकर बी तक, देन नलिटी के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, नलिटी में कौन से एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट आएंगे यू के जिनकी इमेज क्या आएगी, जीरो एलिमेंट आएगी, तो होते हैं एलिमेंट नलिटी के अंदर। ठीक है जी, तो नलिटी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए आपको। और हमने ये भी बात की थी आर टी में किस तरह के आते हैं, टी ऑफ यू टाइप के आते हैं आर टी के अंदर, हमने आर टी में बात की थी, आर टी में क्या होता है हमारे पास, इसमें क्या आते हैं टी ऑफ यू टाइप के आते हैं फॉर एवरी यू बिलोंग टू यू के लिए। ठीक है जी, जो टी यू टाइप के होते हैं वो आर टी में बिलोंग करते हैं। तो पहले बेसिक कंसेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आप किसी भी थ्योरम को लेट कर पाओगे, तभी हम किसी भी थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। तो हमने कहा कि लेट यू वन यू टू यू एम, तो हमारे पास एलिमेंट थे आरटी के अंदर, इनमें कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए, देन हमने बोला कि बेसिस बनेगा किसका, यू का। अब आपको प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस नलिटी इक्वल टू यू। ठीक है, अब ये क्या था हमारे पास, अभी माना था हमने क्या माना था, एम माना था, ये माना था एम। ठीक है, और ये मान लिया एन। ठीक है जी, तो हमें दिखाना है कि आर टी का जो बेसिस होगा उसमें एन माइनस एम एलिमेंट होंगे। क्या दिखाएंगे, हमने माना कि एन टी का जो बेसिस उसमें एम एलिमेंट है और यू के मान लिया एन एलिमेंट है, तो हमें दिखाएंगे डायमेंशन ऑफ आर टी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ आर टी इज इक्वल टू एन माइनस एम। यदि ऐसा होता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। लेट कर लेते हमारे पास रिक्वायर्ड क्या करेगा, हमारे पास रिक्वायर्ड क्या करेगा कि जो यू एम प्लस वन से लेके यू एम प्लस टू से लेके यू एन एलिमेंट होंगे इज द बेसिस ऑफ आर टी, इज द बेसिस ऑफ आर टी प्रूव करना। हाँ, जब ये प्रूव करना है कि एन में से हम कहीं मान लेते हैं, एग्जाम्पल है थोड़ा सा समझ आया मैं आपको, मान लो देखो, मान लो हमारे पास आर टी में मान लो 10 एलिमेंट, देखो पहले मान लेते हमारे पास डायमेंशन ऑफ, मान लेते हैं हमारे पास एन टी मान लो 8 एलिमेंट थे, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट द बेसिस ऑफ नलिटी 8 थे। हमने कहा कि डायमेंशन ऑफ यू हमारे पास मान लो 15 है हमारे पास। ठीक है जी, तो हमें दिखाना क्या है कि डायमेंशन ऑफ आर टी में दिखा दें, हम क्या दिखाएंगे एलिमेंट 15 माइनस 8 विल बी 7। ठीक है, दिखा दें, तो यदि 15 में से 7 एलिमेंट दिखा दें आर टी के अंदर, देन हमारे रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब मान लो वी वन वी टू वी 8 एलिमेंट यहाँ थे और वी वन से 15 एलिमेंट यहाँ थे, तो हम दिखा दें कि जो 9 से लेकर 15 तक एलिमेंट है वो आर टी का बेस में काम करते हैं, तो रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, तो एग्जांपल ये थोड़ा सा हमने, तो हमने क्या किया अभी तक, जस्ट हमने ये कहा कि पहले नलिटी का बेस मान लिया एम एलिमेंट्स का, यदि बेसिस है तो इंडिपेंडेंट सेट होगा। हमने पढ़ाई की थी सेट इंडिपेंडेंट होता है उसको एक्सटेंड करके किसी भी वेक्टर स्पेस का बेसिस बना सकते हैं। तो हमने यू एम एलिमेंट तो थे, इसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए, नाम दे दिए यू एन, तो चले गए। हमने कहा कि बेस बना यू का, प्रूव करना है कि जो आर टी का बेसिस होगा उसमें क्या होंगे, एन माइनस एम एलिमेंट होंगे। इसके लिए हमने मान प्रूव करना है कि यू एम प्लस वन यू एम प्लस टू यू एन क्या बने बेस बनेगा आर टी का, क्योंकि ये कितने एलिमेंट है, एन माइनस एम एलिमेंट है, क्योंकि एम तो पहले खत्म हो गए हमारे पास, एन तक थे तो मान लो 15 थे, 15 से 8 गए, 7 एलिमेंट दिखाने थे हमें, वही सेम कंसेप्ट यहां दिखाना। अब आपको ये चेक करना है कि किसी भी सेट को इंडिपेंडेंट दिखाना, तो बेस दिखाना तो क्या करते हैं हम, यदि आपको ध्यान हो किसी भी सेट को बेस दिखाना हो तो क्या करते हैं, आपको ध्यान होगा कि बेस से दो बंडल करते थे प्रूव, किसी भी सेट को किसी भी वेक्टर स्पेस का सेट का बेसिस चेक करते क्या करते थे, तो चेक करते लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। दूसरा क्या चेक करते थे, दूसरी प्रॉपर्टी चेक करते थे कि क्या वो वेक्टर स्पेस पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है या नहीं करता, दैट सेट स्पैन्स वी और नॉट, स्पैन्स वेक्टर स्पेस और नॉट। ठीक है, ये चेक करते हैं, दो मिनट चेक करेंगे, सेम दो मिनट यहाँ चेक करेंगे कि क्या ये सेट इंडिपेंडेंट होगा एन माइनस एम एलिमेंट का, और क्या एन माइनस एम एलिमेंट का जो सेट है पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा या नहीं करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको भी। अब हमारे पास मान लो एक एलिमेंट लेते हैं यू का, यू लेट यू एलिमेंट लेते हैं यू का, हमने क्या किया एलिमेंट लिया यू का, यू कोई भी। अब यू क्या होगा, यू का बेस क्या है हमारे पास, हमने कहा था कि यू का बेस क्या था, यू को लिख देंगे ए वन यू वन
a2 u2 करते करते क्या आएगा am um plus am plus 1 um plus 1 करते करते हमारे पास क्या आएगा an un आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने मानना है कि जो u वेक्टर स्पेस है उसके बेस में n एलिमेंट है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ u कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n एलिमेंट्स। तो a1 u1 a2 u2 एंड सो ऑन an un से चलते an un आएगा। ठीक है जी, अब तो t अप्लाई कर दें, क्या करते हैं अप्लाई t एलिमेंट अप्लाई t अप्लाई कर दें ट्रांसमिशन अप्लाई करते t ऑफ u क्या हो जाएगा t ऑफ a1 u1 करते करते क्या आएगा t ऑफ am um करते करते am plus 1 um plus 1 करते करते क्या आएगा t ऑफ t तो पहले कंबाइन है बाहर an un आएगा। अब टी मैपिंग गिवन है, इट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एज टी इज गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है टी तो क्या होगा हमारे पास, इट मीन्स हमारे पास क्या होगा यदि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास होती है तो क्या होगा, हम जब अप्लाई करते हैं टी को टी ऑफ यू क्या हो जाएगा इट इज इक्वल टू a1 tu1 करते करते हमारे पास क्या am t of um, यहाँ पे आएगा am plus 1 t of um plus 1 करते करते क्या आएगा लास्ट में डॉट डॉट करेंगे तो an of t of um। ठीक है जी, ये आएगा। अब आपको नॉलेज जो आपको पीछे वाले कंसेप्ट हमने बात की थी, जो a1 a2 am एलिमेंट माने थे, जो a1 a2 थे, जो a1 a2 और am एलिमेंट्स ये बिलोंग करते थे के अंदर, ये बेसिस था नलिटी का, a1 a2 क्या था हमारे नलिटी में बिलोंग करते थे, सॉरी a1 u1 u2 हम यदि बात करें हमारे पास a1 a2 स्केलर हो गया हमारे पास, हम करेंगे कि u1 u2 एंड um एलिमेंट्स जो नलिटी में बिलोंग करते थे, यदि u1 u2 um एलिमेंट नलिटी में बिलोंग करते थे तो क्या होगा बाय प्रॉपर्टी नलिटी t ऑफ u1 क्या होगा जीरो होगा, t ऑफ u2 भी जीरो होगा, करते करते हम कहेंगे t ऑफ um भी जीरो होगा, ऑफ t ऑफ u1 जीरो हो गया। अब यहां तक वैल्यू पुट कर दी है, सारी वैल्यू जीरो बन गई हमारे पास। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बचा t of u इक्वल टू, यदि बात करें नेक्स्ट पेज पे हमारे पास बचा t of u इक्वल टू क्या बचा am plus 1 into t of um plus 1 plus am plus 2 t of um plus 2 करते करते हमारे पास क्या आएगा लास्ट में क्या आएगा an t of um बचेगा। अब आप चेक करें यहां पे जो t of u एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है rt का, एज हमारे पास क्या एज जो t ऑफ u है हमारे पास इज एन एलिमेंट ऑफ rt, इज एन एलिमेंट ऑफ rt, क्यों एलिमेंट rt का, क्योंकि rt में एलिमेंट होते हैं इमेज टाइप के। ठीक है, और t जो एलिमेंट rt का है वो क्या लिखा था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n माइनस m एलिमेंट, क्योंकि n तक जा रहे हैं और n प्लस से स्टार्ट होने हमारे पास, तो n माइनस m एलिमेंट का क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है, एज दे ऑल्सो जो एलिमेंट rt का एलिमेंट ऑफ rt जो tu था इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n माइनस m एलिमेंट, देयरफॉर दीज n माइनस m एलिमेंट जनरेट्स द वेक्टर स्पेस rt। ठीक है, इट मीन्स देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, क्या बोलेंगे कि जो n माइनस m एलिमेंट है वेक्टर स्पेस जो बना हमारे पास उसी से बनता है rt को जनरेट करते हैं, हमने एक कंडीशन को कर दी कि देयरफॉर जो एलिमेंट है um प्लस 1 um प्लस 2 एंड un जनरेट्स rt। ठीक है, अब एक कंडीशन प्रूव करने की जो rt होगा हमारे पास सेट जो बनेगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, बहुत ही आसान कंडीशन है, ये भी देखो करते हैं स्टार्ट। देखो हम क्या करते हैं किसी भी सेट ऑफ वेक्टर प्रूव करना हो कि हमारे पास क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, रिक्वायर्ड टू क्या सेकंड पार्ट हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव है कि जो सेट बना um प्लस से लेके un तक इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट ये प्रूव करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो कैसे करेंगे वो बहुत ही साफ प्रूफ है, आप दिखा रहे हैं कि um प्लस से लेके un एलिमेंट जो सेट है दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे प्रूव, किसी भी सेट को लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाना हो तो क्या स्टेप लेते हैं हम, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो, प्रूव करते हैं स्केलर पे जीरो इक्वल होंगे। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं, तो क्या करेंगे लेट am प्लस 1 t ऑफ um प्लस 1
ठीक है सर, क्या करेंगे हम, ये करेंगे हमारे पास, ठीक है, ए एम प्लस टू एक्स्ट्रा बोर्ड था हमारे पास यहाँ पे, हमने टी अप्लाई किया था यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारी जीरो हो गया हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास जो सेट बना टी यू एम प्लस वन से लेके टी यू एम, ये क्या बनेगा, जो हमारे पास टी यू क्या एलिमेंट था किसका, आर टी का था, तो लिखने का लिख दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा टी यू वन प्लस एम प्लस वन एलिमेंट, जो बनेगा टी यू एम प्लस वन टी ऑफ यू एम प्लस टू टी ऑफ यू एन, क्योंकि हमारे पास सेट क्या है, टी यू एम प्लस वन टी यू एम प्लस टू टी यू एन, क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है जी, देखो हम क्या कर रहे हैं, अब टी यू एम प्लस वन को दिखाना है, टी ऑफ यू एम प्लस वन को टी ऑफ यू एन को दिखाना है, दैट इज लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है जी, तो क्या लेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एम प्लस वन टी यू एम प्लस वन ए एम प्लस टू टी ऑफ यू एम प्लस टू एंड करते करते टी ऑफ यू एन और ए एम बार आएगा इज इक्वल टू जीरो, प्रूव करना है कि ए एम प्लस वन ए एम प्लस टू सारे ही जीरो होंगे, ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम, देखो टी क्या दे गिवन है, एल टी गिवन है, एल टी गिवन तो क्या होगा हमारे पास, दैट इज क्या होगा, टी कौन सा ले जाएंगे हम, क्या होगा टी ऑफ ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन करते करते क्या आएगा ए एन यू एन इक्वल टू जीरो, ठीक है जी, ठीक है जी, अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, अब टी इस एलिमेंट पर लगाने वाली जीरो आ गया, देखो टी हम अप्लाई करी इस एलिमेंट के ऊपर, इट इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन करते करते ए एन यू एन जो एलिमेंट है बिलोंग करेगा टी के अंदर, या भी किसी एलिमेंट पर टी लगा रहे जीरो आ रहा वैल्यू, तो क्या आएगा हमारा वो एलिमेंट बिलोंग करेगा टी के अंदर, ये तो हमने प्रूव कर दिया, अब आपको चेक करो कि हमारे पास गिवन क्या था, नल्टी का जो बेसिस था हमारे पास वो क्या था, नल्टी का बेस मान था यू वन यू टू यू एम, क्या था यू वन यू टू यू एम एलिमेंट थे बेसिस के अंदर नल्टी के अंदर, तो ये नल्टी का एक एलिमेंट है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ द नल्टी विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेसिस, तो एक अर्बिट्री एलिमेंट क्या होगा, इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू वन यू टू यू एम होगा, तो क्या लिखेंगे ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन, ठीक है जी, एंड क्या होगा हमारे पास ए एम प्लस टू यू एम प्लस टू करते करते हमारे पास क्या आएगा ए एन यू एन इक्वल टू क्या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा बी ऑफ यू वन करते करते बी एन ऑफ बी एम ऑफ यू एम होगा, ठीक है जी, ठीक है, अब हमारे पास इसको स्टेप ले आएंगे हम, क्या होगा माइनस ऑफ बी वन यू वन माइनस ऑफ बी टू यू टू करते करते हमारे पास क्या माइनस ऑफ बी एम यू एम और ये तो था ही प्लस, इस तरफ प्लस ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन, ठीक है जी, यहाँ पे क्या करते करते हमारे पास क्या आएगा ए एन यू एन इक्वल टू जीरो, बट ये क्या है जो यू वन यू टू यू एन सेक्टर यू एन एलिमेंट है क्या है बेसिस है यू का, ये क्या बेसिस होगा एज जो एलिमेंट है U1, U2, UN are the basis of U. Basis of U. तो it means जो vector space U होगा वो क्या होगा? जो set बनेगा ये vectors का, ये क्या linearly independent होगा? Therefore it is linearly independent होगा. Linearly independent होगा. और यदि linearly independent होता है तो क्या result होगा हमारे पास? यदि set linearly independent होता है तो क्या result होगा हमारे पास? It means लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट जीरो इक्वल आता है तो सारे स्केलर जीरो होंगे, इट मींस ए वन से लेके बी वन से लेके जो स्केलर थे यहाँ पे ए टू बी टू सारे क्या जीरो होंगे, देखो यहाँ पे स्केलर क्या क्या थे, बी वन था बी टू था बी एन था, यदि बात करें वही ले लेते हैं बी वन बी टू बी एन थे, हमने क्या दिया इसको स्केल थोड़ा दबा लेता हूँ, जो भी हमने यूज किया है स्केल क्या क्या थे हमारे पास, बी वन था बी टू था ये बी एन था ये जीरो होंगे, और इसके बाद क्या करेंगे बात स्केलर क्या क्या थे ए एम प्लस वन भी था और करते करते हमारे पास ए एन इक्वल टू जीरो आ गया, बट हमें क्या जरूरत थी इन पर्टिकुलरली ए एन प्लस से ए एन जरूरत थी हमें, क्योंकि हम क्या लेके चले थे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एन प्लस वन, हम लेके चले थे ये वाले स्केलर्स ए एन प्लस वन से लेके ए एन वाले, इन पर्टिकुलर ये भी जीरो हो गए, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स जीरो था, सारे स्केलर भी जीरो आ गए, इट मीन्स जो सेट हमारे पास क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इट मीन्स जो सेट हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर क्या t of u m plus 1 t of u m plus 2 करते करते हमारे जो t of u n आएगा it is linearly independent, क्या होगा linearly
इंडिपेंडेंट सेट, क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। और यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है तो क्या होगा, अब हम दिखा दें कि जो RT का बेसिस है प्रूव कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर स्पेस जनरेट करता सेट, और हमारे पास क्या करता है इसका सेट जो मिलता है वो क्या होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो एलिमेंट्स है हमारे पास, जो हमने क्या प्रूव कर दिया, जो एलिमेंट T ऑफ यू एम प्लस वन कोमा T ऑफ यू एम प्लस टू T ऑफ यू एन जो बनेगा हमारे पास, इट इज द बेसिस ऑफ RT, इज द बेसिस ऑफ RT, इज द बेसिस ऑफ RT, प्रूव कर दिया RT का बेसिस है। RT का बेसिस है कितने एलिमेंट है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ RT क्या होगा, इट इज इक्वल टू n माइनस m, क्योंकि n तक जा रहे हैं और m से पहले हमने रिमूव किए हुए हैं, n माइनस m एलिमेंट होंगे। और आप चेक करेंगे डायमेंशन ऑफ RT तो ये आ गया, और ये क्या लिया था हमने, n क्या था डायमेंशन ऑफ u था, m क्या था डायमेंशन ऑफ नलिटी थे, ये तो प्रूव करना था। सोचते हैं डायमेंशन ऑफ RT प्लस डायमेंशन ऑफ नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ये हम प्रूव करना था। बहुत ही खूबसूरती से हमने बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट बेसिस डायमेंशन उससे हमने प्रूव कर दिया था। इसको इस तरफ लिया है डायमेंशन ऑफ RT प्लस डायमेंशन ऑफ NT इक्वल डायमेंशन ऑफ U, तो ये रिवाइज करते हैं पूरी क्लास के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बात की, देखो हमने क्या किया, सेलेस्टेला के बारे में बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में भी आने के चांस 100% होते हैं। सेलेस्टेला भी आता है स्टेट एंड प्रूव सेलेस्टेला इंडियन अलजेब्रा के अंदर, या आ सकती है थ्योरम की यदि टी मैपिंग यू से लेकर अभी तक जो एक LT गिवन है, तो प्रूव करो डायमेंशन ऑफ RT प्लस डायमेंशन ऑफ नलिटी, डायमेंशन ऑफ RT प्लस डायमेंशन ऑफ नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, जो एक वर्ड आया डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड डायमेंशन। बेसिस क्या होता है, किसी भी सेट को बेसिस बोलते हैं, किसी भी सेट को बोलते हैं बेसिस एक्चुअली, जो दो प्रॉपर्टी सेट से करता है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सेट लीनियर इंडिपेंडेंट हो, दूसरी प्रॉपर्टी होती है पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करे वो सेट। वेक्टर स्पेस को जनरेट का मतलब क्या होता है कि वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट उस सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सके, देन हम बोलेंगे कि वो जो सेट है जो बेसिस बोला चाह रहे हैं दैट इज द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस, ठीक है जी। तो डायमेंशन ऑफ RT प्लस डायमेंशन ऑफ NT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U दिखा रहा था। फिर हमने बात करी इसी को एक अलग फॉर्म ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने क्लास में बात की थी डायमेंशन ऑफ RT का एक स्पेशल नाम होता है रैंक T, और डायमेंशन ऑफ NT नाम होता है नल T बोलते हैं, इट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U। इसी को मैथमेटिकली RT प्लस μT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्रूव करना आ सकता है। प्रूव बहुत ही आसान है, इतना आसान प्रूव है कि यदि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पढ़ते हुए कहीं भी प्रूव करते दिक्कत नहीं आने वाली। तो बात करते हैं, और एक बात जो मस्ट आपको सोचना है समझना है, यदि आज क्लास को आप देख रहे हैं तो पीछे वाली जो क्लासेस हैं, जो मल्टीपल क्लासेस हम लीनियर अलजेब्रा कर चुके हैं, वो करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एडवांस पार्ट थोड़ा लीनियर अलजेब्रा का तभी आएगा समझ में यदि पीछे वाली क्लास आपने कवर की हुई है। जो बेसिक पार्ट है लीनियर अलजेब्रा का, सबस्पेस का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और मल्टीपल डोमेन्स जो हम कवर कर चुके हैं, उनके बाद इस क्लास को कवर करें तभी आपको समझ में आएगा। जिन्होंने सिलेबस नहीं किया हुआ उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है जी। तो डायमेंशन ऑफ RT प्लस डायमेंशन ऑफ NT डायमेंशन भी दिखाना था। हमने मान लिया कि डायमेंशन ऑफ नलिटी में m एलिमेंट है, मतलब कि एक सेट है m एलिमेंट्स का जो नलिटी को जनरेट करता है। तो यदि हमने मान लिया कि u1 u2 um एलिमेंट्स हैं, जो m एलिमेंट है बेसिस है नलिटी का, डायमेंशन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, हमने m मानना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ नलिटी m के इक्वल होगा। लेट u1 u2 um आर द m एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ नलिटी। और मैथमेटिक्स की ब्यूटी क्या है, देखो यदि लीनियर अलजेब्रा की बात करें आप कुछ भी नहीं याद करना, देखो आप कुछ भी नहीं याद करना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या अपनी लैंग्वेज में आप लिखेंगे, डोंट क्रैम। मैं ये बार बार बोलता हूँ कि आपको कहीं भी किसी भी मैथमेटिक्स में कुछ भी याद नहीं करना, आप यदि याद करने बैठा हो तो दिन से रात तक बैठ रहे, एक क्षण पूरी नहीं होगी आपकी। यदि आप समझे चीजों को, कंसेप्ट को, ग्रुप थ्योरी का एडवांस पार्ट है पता आपको, तभी आप अच्छी से मास्टरी कर पाएंगे। समझ के करें, क्योंकि एक भी स्टेप याद करने का नहीं है, एक एक चीज समझने की, एक एक चीज माइंड में आपको क्लिक करना चाहिए कि हमारे पास ये स्टेप क्यों कर रहे हैं। जब तक आपको क्लैरिटी होगी तब तक आप लिख पाएंगे, तो क्लैरिटी खत्म तो आपको लिखना है, जो आपका पेन है डेट विल बी स्टॉप ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। तो हम बात करें U1 U2 UM एलिमेंट क्या है, बेसिस के अंदर एलिमेंट है नलिटी के। अब आप सोचें कि हमने ये पढ़ा है कि बेसिस में एलिमेंट है, बेसिस में क्या होता है सेट लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो हमने कहा U1 U2 UM एलिमेंट वो क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। यदि लीनियर इंडिपेंडेंट सेट हमें मिलता है तो रिजल्ट पड़ता है लीनियर अलजेब्रा के अंदर
यदि कोई इंडिपेंडेंट सेट होता है उसको एक्सटेंड करके, एक्सटेंड मीन्स उसको कुछ एलिमेंट ऐड कर देंगे तो उससे पूरे वेक्टर स्पेस का हम बेसिस बना सकते हैं। तो सेम वर्क हमने यहाँ पे किया, यू वन यू टू यू एम एलिमेंट थे हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट थे, तो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट मिल गया हमें, तो यू वन यू टू यू एम तो थे, इसमें एम प्लस वन से लेकर एन एलिमेंट ऐड कर दिए, हमने बोल दिया ये बेस बनाया यू का, तो हमने मान लिया कि डायमेंशन ऑफ यू क्या है, एन के इक्वल है। ठीक है, अब दिखाना क्या है, डायमेंशन ऑफ आर टी इक्वल टू एन माइनस एम, ये दिखा दे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ आर टी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ आर टी दिखा दे, यदि एन माइनस एम है तो प्रूफ हो जाएगा। अब डायमेंशन ऑफ आर टी का प्रूफ करने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट बेस में कब होंगे इतने, जब हमारे पास सेट लीनियर इंडिपेंडेंट हो और पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करे। तो आप वो दो काम करने हैं, तो प्रूव करना है कि हमारे पास T of U1, U m plus 1, T of U m plus 2, T of U n जो सेट है हमारे पास, ये बेसिस बनेगा RT का। अब T क्यों लगाया हमने, क्योंकि जो RT होता है, हमने इस एग्जांपल किया था कि जो RT होता है उसमें एलिमेंट T of U टाइप के आते हैं, क्योंकि ये सेट होता है इमेजेस का, तो इमेजेस में क्या होंगे T of U टाइप के एलिमेंट होंगे यदि U डोमेन्स लेते हैं। तो यदि U1, U m plus 1 डोमेन के एलिमेंट थे तो RT में किस तरह आएंगे, T of U m plus 1, T of U m plus 2, T of U n। अब क्वेश्चन जो पैदा होता है वो सोचते हैं कि हमारे पास यहाँ पे U1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि दिखाना क्या है RT में बेसिस में n - m एलिमेंट होंगे, n - m कहाँ स्टार्ट होंगे, m + 1 से लेके n तक चलेंगे, हमारे पास n + 1 से लेके n तक चलेंगे, तो T of U m + 1, T of U m + 2 एंड सो ऑन, T of U n को दिखाना है बेसिस बनेगा RT का। ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट आगे। फिर हमने क्या किया, लेट एक वेक्टर उठा लिया U से, कोई U एक ऑर्बिटल में उठा लिया वेक्टर स्पेस U से U। अब आपको पता है U का बेसिस क्या है, U1, U2, UN है, not UM. UM तक बेसिस था नलिटी का, but U1, U2, UM and so on UN तक हमारे पास बेसिस बनता है किसका, U का। तो every element of the U can be written as linear combination of the element of the basis. तो U लिख दिया हमने A1, U1, A2, U2, AM, UM, AM plus 1, UM plus 1, AN, UN लिख दिया। दोनों T apply कर दिया, T of U, T of U हमारे पास apply कर दिया। अब T क्या थी, given है, linear transformation given है, तो T को हम देखे जा सकते हैं, A1, T, U1, AM, T, UM, and करते करते T है, AM, T, UN हो गया। But given क्या था, U1, 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 U2, UM element nullity में थे, U1, U2, UM nullity में, तो T लगाएंगे सभी element की value 0 आएगी, तो T, U1 हमारे पास जो element था, ये से लेके T, UM तक value 0 होगी, तो T, U बचा हमारे पास equal to AM plus 1, UM, T, UM plus 1, AN, T, UN, ठीक है, ये लिखते हमने यहाँ पे, T of U बचा, it is equal to AM plus 1 into T of UM plus 1, AM plus 2, T of U n plus 2 and so on AN T of U n होगा। Next हम यदि बात करें तो हमारे पास TU एक element था RT का, रेंज स्पेस का एक element था, that is T of U, TU एक element है RT का, तो number of जो element RT के होंगे वो क्या रहा, linear combination RT किसका, T U n plus 1, T U n plus 2 and T U n का। तो हम क्या बोल देंगे, as element of RT that is TU is the linear combination of the n minus m element, क्योंकि ये क्या है, n तक खत्म हो रहे हैं, m plus स्टार्ट हो रहे हैं, तो it is the linear combination of n minus m element, it means जो set था t u m plus 1 t u n तक, that generates vector space r t, क्योंकि r t के arbitrary element t u को क्या लिखा जा रहा है, linear combination of the element of t u m plus 1 and t u n तक। ठीक है जी, तो एक condition prove कर दी कि जो r t का हमारे पास जो set है ये वाला vector space को generate करता है। अब prove करें जो set है t u m plus 1 से लेकर t u n, it is linearly independent, T is given linear transformation, T given है कि linear transformation बनती है, तो AM plus 1 तो ले जाएंगे, T of AM plus 1, UM plus 1, AM plus 2 add कर देते हैं, क्या आएगा, T of AN, UN equal to 0। अब आप चेक करें कि T किस element पर लगा रहे हैं, value 0 आ रही है, it means inner element belong to nullity, it means AM plus 1, UM plus 1 and so on AN, UN belong to nullity, nullity क्या होता है हमारे पास, nullity का basis क्या given था, U1, U2, UM element माने थे हमने nullity के basis में, तो एवरी एलिमेंट ऑफ द नलिटी कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेसिस दैट इज यू वन यू टू यू एम, तो सेम ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन ए एन यू एन इज एलिमेंट ऑफ नलिटी एंड नलिटी हैज द बेसिस यू वन यू टू यू एम, इट मीन्स दिस एलिमेंट कैन बी रिटन एज
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द नल्टी। तो हमने क्या लिखा, ए एम प्लस वन टी यू एम प्लस वन करते करते हमारे पास ए एन यू एन इट इज इक्वल टू बी वन यू वन एंड सो ऑन बी एन यू एम आ गया। ठीक है जी, अब हम बात करें, अब ये सेट था जो ये सेट हमारे पास एन एलिमेंट तक क्या किया, सुस्त ले हम एक सेट को इस तरफ शिफ्ट कर दिया हमने। शिफ्ट करने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट आ गया हमारे पास, ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या हो गया एलिमेंट आ गया हमारे पास, इसको इस तरफ ले लेफ्ट साइड ले हम। ठीक है, अब ये क्या था, यू वन यू टू यू एन एलिमेंट है और यू वन यू टू यू एन एलिमेंट किसके अंदर, यू के अंदर है और यू का बेसिस क्या था, यू वन यू टू यू एन ही था, वो क्या था बेसिस था तो लीनियर डिपेंडेंट होगा। लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इधर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ यू जीरो की इक्वल आ रहा है, इट मींस ऑल द स्केलर आर जीरो, ऑल द स्केलर्स आर जीरो। इन पर्टिकुलर यू वन यू टू यू एन क्या था, बेसिस था यू का, इट मींस दिस सेट इज लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। लीनियर इंडिपेंडेंट इंप्लाइज ऑल द स्केलर्स यू वन यू टू यू एन जो भी होंगे दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। इट मींस बी वन बी टू बी एम एंड ए एन प्लस वन ए एन इक्वल टू जीरो। इट मींस सीधा सीधी सी बात है कि हमारे पास ये हमारे पास इन पर्टिकुलर ए एन प्लस वन से लेके एन स्केलर जीरो आगे, इट मींस द सेट गिवन सेट टी यू एन प्लस वन से लेके टी यू एन इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये तो प्रूव करना था हमें दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो टी यू एन प्लस वन टी यू टू इज द बेसिस ऑफ आर टी बन गया क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वेक्टर्स बेसिस ऑफ नेट भी कर रहा है, इंडिपेंडेंट भी है, इट इज द बेसिस ऑफ आर टी। अब चेक करते हैं एलिमेंट कितने इसमें, एन माइनस एम एलिमेंट है क्योंकि एम प्लस वन स्टार्ट हो रहे हैं एन तक जा रहे हैं, तो एन माइनस एम एलिमेंट हमारे पास किसके अंदर हो गए, डायमेंशन ऑफ आर टी के अंदर। अब एन क्या था, डायमेंशन ऑफ यू था और एम क्या था, डायमेंशन ऑफ नल्टी था। तो डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ नल्टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू हमने प्रूव कर दिया। बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही आसान तरीके से प्रूव कर सकते हैं किसी भी थ्योरम को लीनियर अलजेब्रा की। बट बार बार मैं हमेशा कहता हूं कि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। जितना ज्यादा लिख के देखेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा मास्टरी कर पाएंगे। विदाउट नोटबुक एंड पेन कोई भी मैथ को सीख नहीं सकता, ऐसा कोई भी इंसान धरती पाता नहीं जिसने बिना कॉपी पेन के मैथ को सीख लिया है। तो जो आप नोटबुक उठाएंगे लिखेंगे समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। यदि आप वीडियो देखेंगे दो बार समझ में जरूर आएगा आपको, लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में, ये बहुत ही बड़ी बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। यदि आप लिखना चाहते हैं थ्योरम को, मैथ को, आपको कहीं किसी भी न्यूमेरिकल को एग्जाम के अंदर, तो भी प्रैक्टिकल अप्रोच जो सबसे बड़ी है कि आपको लिख के देखना पड़ेगा। विदाउट राइटिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल और टू सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल इन द डायरेक्टली इन एग्जाम। तो यदि आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना किसी भी एग्जाम के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर जहां सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझना एक प्रोसेस का पार्ट है, सब कुछ समझना नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरे को मैथ को बहुत आता है, समझ में भी आता है, मैं लिख नहीं पाता। वो प्रॉब्लम कहाँ पे, राइटिंग स्किल्स, आपकी मेहनत जो आप टाइम दे नहीं पा रहे हैं, एफर्ट्स जो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो टाइम देंगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, और जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उससे कहीं ज्यादा आप लिख पाएंगे, उससे कहीं ज्यादा आप समझ पाएंगे। तो मेहनत करें, लिख के देखें, समझें, लगता है प्रॉब्लम आ रही है, फील फ्री टू शेयर अस, वी आर ऑलवेज विद यू। हमेशा प्रयास रहा आपको, आपके साथ जितना ज्यादा हम कर सकते हैं हेल्प आपकी हर स्टेप पे प्रोवाइड करने का प्रयास करने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए आज सेमेस्टर ला जो रैंक एंड नल्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थी एंड वंडरफुल एंड सो अमेजिंग लीनियर अलजेब्रा को हम कवर कर रहे हैं और आपको बहुत ही मजा आ रहा है उम्मीद है। और अब तक प्रॉब्लम आ रही है, ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, ऑलवेज फील फ्री टू व्हाट्सएप अस, वी आर ऑलवेज विद यू, वी आर ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू, वी आर ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट यू। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।